Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute Marine Engineering Lectures. This is our fifth lecture on Marine Purifier. इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे characteristics curves of purifier motor. Last lectures मैंने आपको already discuss कर चुका हूँ basic principles of purifier, desludging mechanism of purifier and line diagram भी मैंने आपको discuss कर चुका हूँ. तो इस lectures में हम बात करेंगे characteristics curves of purifier motor. So यह मैंने graph बनाया हूँ. ये हमारी x एक्सिस पर मैंने टाइम इंडिकेट किया हूं, टाइम इन मिनट्स, एंड y एक्सिस पे मैंने दो पैरामीटर इंडिकेट किया हूं. फर्स्ट इज करंट, जो मैंने रेड कलर से शो किया वो करंट इन एम्पियर है, जो हमारी 5 टू 40 है, एंड जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है वो हमारी रिवॉल्यूशंस पर मिनट है. ओके, जो भी हमारे प्यूरीफायर की बॉल आरपीएम होती है वो हमारी ये शो करेगी, एंड हमारी मोटर आरपीएम होगी वो हमारी ये शो करेगी. तो एक जनरल अरेंजमेंट क्या होती है प्यूरीफायर की, मैं वो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा. हालांकि मैं इसके बाद एक लेक्चर सुनूंगा जो हमारी, उस लेक्चर में आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शाफ्ट एंड फ्रिक्शनल क्लच के बारे में बताऊंगा. इस लेक्चर में मैं ब्रीफली आपको थोड़ी आइडिया देता हूं. हमारी क्या होती है, एक मोटर होती है. ओके, मोटर को हम थ्री फेज सप्लाई करते हैं. मोटर को हमारी थ्री फेज सप्लाई होती है तो हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ओके, मोटर अपनी पावर ट्रांसमिट करती है हमारे फ्रिक्शन क्लच को. अब हमारे फ्रिक्शन क्लच होती क्या है, फ्रिक्शनल क्लच मींस ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू में, एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस ये हैं टीएमई इंटरव्यू के लिए. सो व्हाट इज फ्रिक्शनल क्लच इन प्यूरीफायर. सो फ्रिक्शनल क्लच इन प्यूरीफायर व्हिच इंश्योर द स्मूथ स्टार्टिंग और स्मूथ रोटेशन ऑफ प्यूरीफायर एंड टू प्रिवेंट द अनलोड स्टार्टिंग ऑफ द मोटर. फ्रिक्शनल क्लच हमारी इंश्योर करती है जो हमारे प्यूरीफायर की स्मूथ रोटेशंस को. ओके, ग्रेजुअली प्यूरीफायर स्टार्ट होती है, एंड सेकंड फंक्शन क्या होती है, जो हमारी अनलोड स्टार्टिंग ऑफ मोटर को हमारी ये प्रिवेंट करती है. ये मैं आपको टर्म नेक्स्ट लेक्चर से बताऊंगा, मैं बस आपको एक डेफिनेशन बताया फ्रिक्शनल क्लच हमारी इसकी फंक्शन होती है. अब हमारी फ्रिक्शनल क्लच जो होती है वो हमारे पावर ट्रांसमिट करती है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को. ओके, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करती है और वहां पर हमारी वॉर्म अरेंजमेंट होती है. ओके, एंड वर्टिकल शाफ्ट जो होती है वो हमारी पिनियन गियर अरेंजमेंट होती है. मींस हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शाफ्ट जो होती है वॉर्म एंड वॉर्म गियर अरेंजमेंट हमारी वहां पर होती है, जिससे हमारी जो प्यूरीफायर की बॉल होती है वो हमारी रोटेट होती है. हम लोगों ने क्या किया, मोटर को थ्री फेज सप्लाई किया, वहां से पावर ट्रांसमिट हुई हमारी फ्रिक्शनल क्लच को. फ्रिक्शनल क्लच हमारी क्यों है, वहां पर क्यों हमारी फ्रिक्शनल क्लच अरेंजमेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है. इसकी दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट टू इंश्योर द स्टार्ट और स्मूथ रोटेशन ऑफ प्यूरीफायर, एंड सेकंड टू प्रिवेंट द अनलोड स्टार्टिंग ऑफ द मोटर. ये हमारी फ्रिक्शनल क्लच की हमारी फंक्शंस होती है. अब हमारी फ्रिक्शनल क्लच हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है, एंड हॉरिजॉन्टल शाफ्ट वर्टिकल शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है, एंड वर्टिकल शाफ्ट हमारी प्यूरीफायर को रोटेट करती है. और हमारी गियर रेशियो हमारी इसकी होती है 14:1 गियर रेशियो होती है, जिससे हमारी प्यूरीफायर की आरपीएम अप टू 5000 टू 7000 तक हमारी इसकी आरपीएम अचीव हो जाती है. ओके, तो ये हमारी जनरल मैकेनिज्म थी. वैसे मैं ये सारी चीजें शाफ्ट मींस की ब्रीफ आइडिया दूंगा, फ्रिक्शनल क्लच की कंस्ट्रक्शनल डिटेल बताऊंगा, कैसे फ्रिक्शनल क्लच हमारी प्रिवेंट कर रही है और लोड स्टार्टिंग ऑफ मोटर, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा पूरी कंस्ट्रक्शनल डिटेल के साथ. ओके, तो ये हमारी जनरल अरेंजमेंट होती है. तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर फर्स्ट पैरामीटर हमारी क्या थी, मोटर. ओके, तो हम लोगों ने मोटर को थ्री फेज सप्लाई करंट सप्लाई किया, थ्री फेज सप्लाई किया, तो आप देख सकते हो हमारी मोटर है. ये जो मैं फर्स्ट कर बना रहा हूं ये हमारी मोटर है. ओके, ये हमारी मोटर है. ओके, तो मोटर जो है अपनी रेटेड स्पीड जो होती है इमीडिएटली अचीव करती है. ओके, तो आप देख सकते हो हमारी रेटेड स्पीड है मोटर की, मोटर की रेटेड स्पीड इमीडिएटली अचीव हो चुकी है. ओके, तो ये मैंने मोटर की कर बनाया और ये हमारी रेटेड स्पीड अचीव कर लेती है और फिर ये हमारी स्टेबल फॉर्म में होती है. हमारी स्टेबल, ये आप सो देख सकते हो ये हमारी स्टेबल फॉर्म में होगी. ओके, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी. मैं हाथ से बना रहा हूं इसलिए थोड़ी. ओके, तो हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी. ओके, ये हमारी स्टेबल स्पीड अचीव कर चुकी है. नाउ अब हमारी क्या होगी, अब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल की कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि हमारी टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ प्यूरीफायर मोटर. कोशिश करूंगा कि आपको इजीली और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूंगा समझाने की. ओके, तब हमारी जैसे हमारे
फायर मोटर हमने स्टार्ट किया, ओके हमारी ये इमीडिएटली हमारी क्या की रेटेड स्पीड अचीव की। तो अगर हमारी ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम हमारी करंट क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स हमारी रेटेड इलेक्ट्रिक करंट से हमारी करंट जो होगी इंक्रीज होगी। ओके तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसे इलेक्ट्रिकल टर्म से मैंने आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ऑफ मोटर, ओके हमारी क्या होती है, स्लिप जो होती है वो मैक्सिमम होती है, एंड स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करंट, दैट इज स्लिप विच इज डिनोटेड बाय एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करंट, दैट इज IST। ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम हमारी स्लिप क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एंड व्हाट इज स्लिप, स्लिप हमारी क्या होती है, स्लिप जो हमारी होती है जैसे ही हम लोगों ने मोटर को थ्री फेज सप्लाई किया, ओके तो हमारी मोटर में हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर जो होती है वो हमारी ns होती है, ns हमारी क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड और हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड। ओके अब हमारी क्या होती है, स्लिप हमारी क्या होती है, ns माइनस n, ये हमारी स्लिप होती है और हम बोल सकते हैं हमारी रिलेटिव स्पीड ऑफ मोटर होती है। हमारी ns क्या है, हमारी RMF है, RMF क्या है, हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर। हमारी n क्या है, n हमारी रोटर स्पीड है, ओके जो हमारी n है वो हमारी रोटर स्पीड है। सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग जो हमारी रोटर होती है वो हमारी स्टैंड स्टिल पोजिशन पे होती है, मीन्स हमारी रोटर की स्पीड हमारी जीरो होगी। ड्यूरिंग स्टार्टिंग हमारी रोटर की स्पीड हमारी जीरो होगी, मीन्स हमारी स्लिप जो होगी इक्वल टू ns, मीन्स हमारी स्लिप इज इक्वल टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। तो हमारी स्लिप की जो वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम, एंड मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही कंसिडर यहां पर किया, स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करंट। सो हमारी ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्लिप ज्यादा होगी तो हमारी स्टार्टिंग करंट भी हमारी ज्यादा होगी। ओके नाउ तो हमारी क्या होगी, हमने स्टार्ट किया हमारी मोटर को, हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमारी जो करंट कर्व जो होगी, ओके तो स्टार्टिंग टाइम में जो हमारी करंट कर्व होगी हमारी पिक करंट पर जाएगी। आप देख सकते हो ये मैंने करंट कर्व मैंने ड्रॉ करूंगा, मैं रेड से करंट कर्व शो करूंगा, तो आप देख सकते हो मैं डिक्रीज क्यों किया वो भी मैं रीजन दूंगा। तो आप देख सकते हो यहां ये हमारी ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम हमारी पिक करंट, ये हमारी पिक करंट होती है। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं लाइक करेक्टरिस्टिक्स का, सो प्योरीफायर मोटर एक्सप्लेन करो, तो आप ऑब्वियसली ये टर्म यूज करोगे कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग हमारी स्टार्टिंग टाइम हमारी क्या होती है, करंट इंक्रीज होती है। तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है व्हाई करंट हमारी क्यों इंक्रीज होती है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना। नाउ अब हमारी क्या, मैंने क्या बताया था, इनिशियली हमारी जो रोटर स्पीड है जो एन है वो हमारी स्टैंड स्टिल पोजिशन पे, मीन्स हमारी स्पीड जीरो है। नाउ आफ्टर सम टाइम हमारी रोटर सर्किट में हमारी EMF इंड्यूस्ड होगी, जिसके चलते हमारी रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड होगी। रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड होगी तो हमारी रोटर जो है रोटेट करेगी। ओके अगर हमारी रोटर रोटेट करेगी, सपोज हमारी जो ns है, जो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर जो है हमारी, मैं कंसीडर करके चलता हूं हमारी 4 पोल मोटर और हमारी 1500 rpm है इसकी सिंक्रोनस मोटर की। अब हमारी क्या कर रही है, अब हमारी रोटर स्पीड हमारी क्या कर रही है, सर्किट एनर्जाइज हो चुकी है, रोटर सर्किट एनर्जाइज हुई तो हमारी रोटर स्पीड क्या आएगी, सपोज हमारी रोटर स्पीड 1000 rpm है तो हमारी स्लिप कितनी होगी, 500 rpm। तो हमारी क्या होगी, स्लिप डिक्रीज होगी तो हमारी करंट डिक्रीज होगी। ओके सो करंट डिक्रीज हुई, मीन्स कब करंट डिक्रीज हुई, जब हमारी ये रोटर सर्किट एनर्जाइज हुई तब हमारी स्लिप डिक्रीज होगी, अब हमारी करंट भी डिक्रीज होगी। अब हमारी आफ्टर सम टाइम हमारी पीक करंट अचीव कर चुकी है, ओके एंड आफ्टर सम टाइम हमारी क्या हो रही है, रोटर सर्किट जो एनर्जाइज हो चुकी है, अब रोटर सर्किट एनर्जाइज हो चुकी है मीन्स हमारी स्लिप जो होगी क्यों चीज की वैल्यू आ रही है ठीक, और ये ग्रेजुअली हमारी इंक्रीज नहीं होती है, जो हमारी रोटर सर्किट जो होती है वो हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होती है, हमारी सडनली इंक्रीज होती है। ओके हमारी वो सडनली इंक्रीज होती है और ये कोशिश करती है हमारी ns को कैच करने के लिए, मींस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कैच करना चाहती है। ओके नाउ अब हमारी क्या करेगी, अब हमारी, मैंने क्या बोला था, इनिशियल हमारी
हमारी पीक करंट है। अब हमारी धीरे धीरे हमारी क्या हुई, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, हमारी रोटर सर्किट एनर्जाइज हुई। अब जिससे हमारी रोटर की आरपीएम इंक्रीज हुई, अब हमारी स्लिप डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारी रिलेटिव स्पीड है, एन हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी स्लिप डिक्रीज होगी, स्लिप डिक्रीज होगी तो हमारी करंट डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं हमारी करंट डिक्रीज हो चुकी है। गॉट इट? हमारी करंट डिक्रीज हो चुकी है। अंडरस्टूड? मींस हमारी क्या है, पीक करंट हमारी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्यों? क्योंकि हमारी जो रोटर की आरपीएम है वो चाहती है वो जल्द से जल्द हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्पीड है उसको वो कैच कर ले, जिसके चलते हमारी हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है, उसे उसकी स्पीड को कैच करने के लिए। रोटर स्पीड जो होती है हमारी हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है ताकि वो इजीली हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड को कैच कर सके। तो हमारी हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगी जिसके चलते हमारी स्टार्टिंग करंट भी हमारी प्रोड्यूस जो होती है वो हमारी हाई होती है। ओके, इसलिए हमारी करंट हमारी इंक्रीज होती है। अब हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे स्लिप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारी रोटर सर्किट एनर्जाइज हो चुकी है, हमारी रोटर करंट इंक्रीज हो चुकी है। अब धीरे धीरे हमारी करंट भी डिक्रीज होगी क्योंकि हमारी स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करंट ऑफ एनी मोटर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारी क्या होगी, ये हमारी कर्व हो चुकी है। अब हमारी क्या की बोल आरपीएम, जैसे हमारी मोटर करेंगे वो हमारी बोल आरपीएम भी हमारी इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो ये हमारी बोल आरपीएम, यहाँ पर मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, जो हमारी बोल आरपीएम होगी वो 7200 7500 आरपीएम तक ये होगी। ओके, और ये हमारी यहाँ स्टेबल हो जाएगी और ये हमारी स्टेबल रेटेड आरपीएम पे हमारी रोटेट करेगी। गॉट इट? नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारी क्या हो चुकी है, हमारी प्यूरिफायर की बेसिक प्रिंसिपल पे अब आइए। हम लोगों ने क्या किया था, प्यूरिफायर की स्पीड रेटेड स्पीड अचीव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ऑयल फीड करते हैं। ओके, ऑयल फीड करेंगे। अब ऑयल फीड करेंगे तो हमारी क्या होगी, करंट जो होगी अगेन हमारी इंक्रीज होगी। ओके, ऑयल फीड करने से हमारी करंट जो होगी हमारी इंक्रीज होगी, तो हमारी करंट जो होगी वो आप देख सकते हो ये हमारी इंक्रीज होगी। ओके, ऑयल क्योंकि हम लोगों ने ऑयल फीड किया और ये हमारी फिर हमारी ये रेटेड मीन्स हमारी फिर ये स्टेबल करंट कर्व हमारी ये शो करेगी। ओके, ये हमारी स्टेबल करंट कर्व हमारी ये शो कर रही है। नाउ अब हमारी क्या करेंगे, अब हम डिस्चार्ज मैकेनिज्म पर आते हैं। अब जो भी हमारी सेपरेटिंग, जो भी हमारी जो ऑयल आ रही है डिस्ट्रीब्यूट से सेपरेट हो रही है, वो सारी प्रोसेस हमारी यहां हो रही है, करंट हमारी सेम होगी। ओके, ये सारी प्रोसेस हमारी यहां हो रही है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्लज मैकेनिज्म पर हम आते हैं। डिस्लज मैकेनिज्म मींस हमारी क्या होगी, डिस्लज करेंगे जैसे मैंने आपको लेक्चर पर बताया था, सेम प्रोसीजर करेंगे फॉलो। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, सो ड्यूरिंग डिस्लज मैकेनिज्म से पहले हम लोगों ने क्या किया था, ऑयल फीड हम लोगों ने स्टॉप किया था। ऑयल फीड स्टॉप करेंगे ओके, तो हमारी करंट जो होगी वो हमारी डिक्रीज करेगी। ओके, ना ऑयल फीड हम लोगों ने डिक्रीज किया, ऑयल फीड हम लोगों ने सॉरी स्टॉप किया, हमारी करंट डिक्रीज की। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्लज मैकेनिज्म करेंगे। मैंने आपको प्रिंसिपल पहले ही बता दिया। अब डिस्लज मैकेनिज्म जब करेंगे तो हमारी क्या होगी, जो करंट जो होगी वो हमारी इंक्रीज होती है। मैंने आपको डिस्लज मैकेनिज्म बताया था, तो देख सकते हो आप करंट हमारी इंक्रीज हुई और ये हमारी रेटेड करंट तक हमारी अचीव हो चुकी है, रेटेड इलेक्ट्रिक करंट तक हमारी करंट इंक्रीज हो चुकी है। अब हमारी ये करंट इंक्रीज हो चुकी है, अब हम लोगों ने क्यों करंट इंक्रीज हो, क्योंकि डिस्लज हुई है। अब ड्यूरिंग डिस्लजिंग मैकेनिज्म हमारी मोटर की जो आरपीएम होगी और बोल सकते हैं मोटर की जो मोमेंटम होगी वो भी हमारी डिक्रीज होगी। अगर हमारी मोटर की मोमेंटम डिक्रीज होगी तो मोटर की आरपीएम में भी कुछ डिक्रीमेंट आएगी, मीन्स मोटर की आरपीएम भी डिक्रीज करेगी। तो आप देख सकते हो ये हमारी मोटर की आरपीएम भी हमारी डिक्रीज करेगी। अब हमारी मोटर की आरपीएम अगर डिक्रीज करेगी, मोटर की आरपीएम में फ्लक्चुएशंस होगी, तो हमारी क्या होगी, जो हमारी बॉल प्यूरिफायर बॉल होगी उसकी भी आरपीएम डिक्रीज होगी। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारी प्यूरिफायर बॉल की जो आरपीएम होगी वो हमारी ऐसे डिक्रीज करती है,
during the sludging mechanism. Okay, clear? तो ये हमारी characteristics curves of purifier motor होती है. I hope ये सारी चीज आपको clear हो चुकी है. अगर इसमें कुछ अगर आपको doubt है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो. आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आई होगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व होती है, जनरली एमएमडी ओरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और मैंने कुछ टर्म जो यूज किया लाइक वाई स्टार्टिंग करंट, ओके व्हाट इज फ्रिक्शनल क्लच, ये सारी टीएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.